तो दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में एक शब्द का प्रयोग करते हो, वो है बिजी। कुछ लोगों के व्हाट्सएप का स्टेटस भी होता है बिजी। कुछ लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो कहते हैं, यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बिजी रहना, व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई बिजी नहीं होता है। पर सिर्फ व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या काम कर रहे हो और किस काम में व्यस्त हो, ये उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है October 3rd, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट। अपडेट ये है कि आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस की तरफ मूव कर रहे हो, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो नीचे दिया गया है मेरा टेलीग्राम लिंक। ओके, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है आपको नीचे से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप लोग टेलीग्राम पे @AmanSharma सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको जो भी डाउट है वो मिल जाएंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग कैसे अवेल कर सकते हो उसकी जानकारी भी आपको उसी टेलीग्राम लिंक पे उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो सबसे पहले संपर्क करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था यहाँ पर गार्डन्स और उनकी लोकेशन से रिलेट करते हुए। मैं आपको बता दूँ कि सवाल का सही जवाब है D 2, 4 and 5, मतलब एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी सही स्टेटमेंट। फर्स्ट और थर्ड गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि हैंगिंग गार्डन है यहाँ पर मुंबई के अंदर और बुद्धा जयंती पार्क है दिल्ली के अंदर। आपके लिए आज का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि IMF वाज वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी। इट्स डिजाइन अलाउड द सिस्टम टू बैलेंस द रीबिल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल कैपिटलिज्म विद द मैक्सिमाइजिंग ऑफ नेशनल इकोनॉमिक सोवरेनिटी ह्यूमन वेलफेयर, ऑल्सो नोन एज द एम्बेडेड लिबरलिज्म, कि यहाँ पर कैपिटलिज्म को रीबिल्ड करने में IMF ने बहुत ज़्यादा मदद की। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि कंट्रीज were not eligible for the membership of International Bank for Reconstruction and Development unless they were member of the IMF. अगर वो IMF के member नहीं होते थे तो उनको IBRD का member भी नहीं माना जाता था। तीसरी statement कहती है कि on joining the IMF, हर एक जो member country होता है उसको कुछ sum of amount contribute करना पड़ता है, जिसको हम लोग कोटा के नाम से जानते हैं, कोटा subscription के नाम से जानते हैं, which is based on the weighted average of the GDP only. आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हैं आपके A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only या D all of the above। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं द हिंदू की पहली खबर के साथ, Page number 1, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर्स कंट्री ओपन डेफिकेशन फ्री। कल गांधी जयंती के दिन जब हम लोग 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू महात्मा गांधी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री यहां पर डिक्लेयर कर दिया। यहां पर क्लेम किया गया कि यहां पर NDA गवर्नमेंट के ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव में से एक है, जिसके अंदर अब सारे के सारे घरों के पास टॉयलेट का एक्सेस है। द वर्ल्ड इज इंप्रेस्ड बाय आवर सक्सेस ऑन द ओपन डेफिकेशन फ्री फ्रंट, और पूरी दुनिया हम लोगों को इस पर्टिकुलर चीज के लिए अवार्ड्स भी दे रही है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर एक अवार्ड है, और वो हम लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए प्रोवाइड किया गया था। एक और चीज़ जो स्वच्छ भारत अभियान था, उसके अंदर हमारा टारगेट दो चीज़ों के ऊपर था। पहला था यहाँ पर स्वच्छ भारत एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया, और दूसरा यहाँ पर मिशन था यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। स्वच्छ भारत अभियान का जो फर्स्ट फेज था वो कल पूरा हो गया, और आज से जो सेकंड फेज है उसका जो कार्यकाल है वो चालू हो गया है। सेकंड फेज के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारे देश को यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी सफल बनाना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, यहाँ पर ही प्रेस द रिमोट, और उन्होंने एक मैप देश का यहाँ पर रिवील किया एज ओपन डेफिकेशन फ्री
एट द साबरमती रिवर फ्रंट ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ 20,000 विलेज हेड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो सफलता का श्रेय है वो ग्राउंड लेवल वॉलंटियर्स को दिया, जिनकी वजह से स्वच्छता और टॉयलेट कॉमन मैन का एक टॉपिक बन चुका है आफ्टर गवर्नमेंट लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री ने बोला कि यहाँ पर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेकिंग द कंट्री फ्री ऑफ प्लास्टिक बाय 2022 और यहाँ पर इसे एक एम्बिशियस टारगेट के रूप में देखा जाएगा। ऑल दो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो चालू हो गई हैं कल से, ऑल दो पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है, बैन नहीं हुआ है, इस चीज़ को याद रखना, मना किया गया था कि बैन अभी नहीं है, बट उनको कम करने की जो मुहिम है वो बहुत जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। पेज नंबर 12, इसी न्यूज़ से रिलेटेड आपको एक और खबर मिलती है, पीएम मूड्स आइंस्टीन चैलेंज इन ट्रिब्यूट टू दी महात्मा। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जो विजन थे उनको ऑब्जर्व करते हुए और खासकर इंडियन नेशनलिज्म में जो महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था वो हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर प्रपोज किया जिसको यहाँ पर बोला गया दी आइंस्टीन चैलेंज। आइंस्टीन चैलेंज टू एंश्योर दैट गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनको आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी याद करें। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक ओपन एडिटोरियल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, ओके, जैसे हम लोग आपको एडिटोरियल पढ़ाते हैं उस तरीके का एडिटोरियल प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर लिखा था। उसके अंदर उन्होंने महात्मा गांधी जी को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया, बोला कि ही इज़ द बेस्ट टीचर एंड द गाइडिंग लाइट, जो कि अभी भी मिलियंस ऑफ ह्यूमंस की यहाँ पर लाइफ के एक इंस्पिरेशनल टीचर हैं, एज वेल एज लोग अभी भी ह्यूमैनिटी के अंदर बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी को यूनाइट कराने में महात्मा गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आइंस्टीन चैलेंज को यहाँ पर प्रपोज किया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ फेमस वर्ड्स थे गांधी जी के ऊपर, दैट जनरेशंस टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक अपॉन दिस अर्थ। क्या ज्ञान वाली जनरेशन शायद ही ये कभी समझ पाएंगी कि इस तरीके का इंसान भी कभी हमारी धरती के ऊपर चला था। ओपन एडिटोरियल का जो टाइटल था वो था वाई इंडिया एंड द वर्ल्ड्स नीड गांधी, और आइंस्टीन चैलेंज के अंदर यहाँ पर बेसिकली देयर आर सम क्विजेज एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। अगली खबर हम लोगों को मिलती है पेज नंबर 1 पे, न्यूज़ है यूएस वॉन्ट्स पार्टनर्स ऑफ सैंक्शन रिस्क। यहाँ जो पूरी कहानी है वो एक एक्ट से लिंक है, जिस एक्ट को हम लोग यहाँ पर काट्सा के नाम से जानते हैं। काट्सा क्या है? काट्सा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। एक एक्ट है जिसको 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन आउट किया गया था। यह मैंडेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को कि यूएस यहां पर सैंक्शंस लगा रही है तीन देशों के ऊपर। वो तीन देश कौन से हैं? तीन देश हैं यहां पर ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। इन तीन देशों के अलावा भी, इन तीन देशों को छोड़कर भी बाकी अन्य देश जो कि इन तीनों देशों के साथ किसी भी तरीके का यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, उनके ऊपर भी यूएस यहाँ पर सैंक्शन लगाएगी। अब ये इंडिया से इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि यहाँ पर जो रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया उसे परचेज करने की बात करता है, इंडिया उसको खरीदने की बात करता है। इंडिया से पहले टर्की ने उसे खरीदा है और टर्की के ऊपर भी ये सैंक्शंस लगे थे, टर्की को भी बोला गया था और टर्की ने फिर भी बात नहीं मानी। और यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे एस जयशंकर जी, ही इज़ ऑन अ विजिट, वो यहाँ पर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएस एक्सेप्ट करे इंडिया के डिसीजन को कि इंडिया यहाँ पर S-400 सिस्टम को परचेज कर सके और इंडिया को फेवर मिल सके। इंडिया एग्रीड टू परचेज दिस सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया इन 2018 फॉर अबाउट $5.2 बिलियन। यहाँ पर यूएस ने बोला है कि यूएस इंडिया को अभी वेवियर नहीं ग्रांट कर रहा है और इंडिया खुद इस चीज़ को एज्यूम भी ना करे कि यहाँ पर वेवियर ग्रांट किए गए। इसके साथ साथ क्या बोला गया है स्पोक्स पर्सन द्वारा? स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर बोला कि वी अर्ज ऑल आर अलाइज एंड पार्टनर्स, जितने भी यूएस के अलाइज हैं और जो पार्टनर्स हैं, टू फॉरगो ट्रांजैक्शंस विद द रशिया। इंडिया का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया गया बट ये चीज़ फोकस्ड इंडिया पे ही है कि यहाँ पर रशिया के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको फॉरगो करें क्योंकि उसकी वजह से काट्सा के अंदर यहाँ पर रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सेक्रेटरी हैज़ नॉट मेड एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंडिया। मूविंग ऑन पेज नंबर 12, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिलेटेड एक और न्यूज़, एस जयशंकर रीट्रेट्स इंडियाज क्लेम ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस चीज़ को साफ किया है
इंडिया क्लेम करता है पूरे के पूरे रीजन को. इंडिया हैज क्लेम्ड ऑल ऑफ द पीओके सिंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसको यहां पर तब साइन किया गया था राजा हरि सिंह द्वारा जब प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को असीड किया गया था टू इंडिया 1947 के अंदर. सिसिंडिया रिवोक्ड आर्टिकल नंबर 370 जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को इन अर्ली अगस्त, स्पेसिफिकली अगस्त 5 को. गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैव रेज द स्टेक्स अराउंड द कश्मीर डिस्कशन इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर. मूविंग ऑन पेज नंबर 1 पे हमें एक और खबर मिलती है, दैट इज ओपेक सेंसरशिप लीव्स ट्विटर यूजर चैफिंग. यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से जो कंटेंट रिमूवल की जो डिमांड की है, या जो लॉ एनफोर्समेंट यूनिट ने जो ट्विटर को यहाँ पर डिमांड की है कि आपका जो कंटेंट है वो सही नहीं है, वो प्रोवोकेटिव है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके जो अमाउंट है, जो कंटेंट रिमूवल की जो रिक्वेस्ट है, वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है 2018 के अंदर. 2014 से 2018 के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करें, ओवर 5600 ट्विटर अकाउंट्स वर रिपोर्टेड एंड मोर देन 600 ट्वीट्स एंड 132 अकाउंट्स वर विदहेल्ड. आप यहां पर एक ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स हैव मेड 657 लीगल डिमांड्स कि कंटेंट को रिमूव किया जाए. तो जो सेंसरशिप है वो ऑब्वियसली ट्विटर के अंदर खुद भी बढ़ती हुई हम लोगों को नजर आ रही है कि आप कौन कौन से कंटेंट डाल सकते हो, कौन कौन से कंटेंट नहीं डाल सकते हो. और यहाँ पर वो चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड के बाद ही की गई थी, बट फिर भी यहाँ पर बहुत सारे बैन किए जा रहे हैं. उसकी वजह से बहुत सारे जो यूज़र्स हैं ट्विटर के, दे आर गेटिंग एंग्री. इंडियन डिमांड्स फॉर कंटेंट रिमूवल वर फोर्थ हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, और वो 100 गुना हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले 5 सालों के अंदर. अकॉर्डिंग टू द ट्विटर रिकॉर्ड, many content removal demands from the Ministry of Electronics and Information Technology simply cited a violation of Section 69A of the Information Technology Act 2000. जब Twitter receive करता है इस तरीके के demand को, वो email notice send करता है to the affected users. यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगली news page number 3 की तरफ हम लोगों को मिलती है. CM Andrews Clean Air Declaration at C40 Summit. तो देखो एक चीज़ याद रखना कि C40 Summit कहाँ हो रही है, कोपेनहेगन. कोपेनहेगन कहाँ पे है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क. ओके, तो डेनमार्क कोपेनहेगन हो रही है C40 समिट. यहाँ पर 20 लीडर्स को, जो मेगा सिटीज़ हैं पूरी दुनिया के, उनके 20 ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट किया गया है, जिसके अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन्विटेशन आया है. और वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा क्लीन एयर सिटीज़ डिक्लेरेशन, जहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम लोगों के लिए सामने आएंगे. दिल्ली गवर्नमेंट विल एंडोर्स द डिक्लेरेशन एंड प्लेज रिड्यूस द एमिशन एंड एयर पोल्यूशन इन अ सेट टाइम ऑफ फ्रेम ऑन अक्टूबर 11 एट द तिवोली कॉन्फ्रेंस सेंटर इन कोपेनहेगन. जो समिट है वो अक्टूबर 9 से अक्टूबर 12 तक चलने वाली है. मूविंग ऑन पेज नंबर 6, एक और स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, यहाँ पर बात करेंगे ओडिशा और नवीन पटनायक जी के बारे में. एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मो सरकार. ओके, मो सरकार इज अ न्यू इनिशिएटिव, लॉन्च किया गया है इसको यहाँ पर गांधी जयंती वाले दिन, जब डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज थे उन्होंने पद यात्रा ऑर्गेनाइज करी, कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करी. नवीन पटनायक जी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, नाम है मो सरकार. मो सरकार वॉज लॉन्च एट ऑल पुलिस स्टेशन अक्रॉस द स्टेट अलॉन्ग विद द 21 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स एंड 3 गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एट कटक, बहरामपुर, संबलपुर. बहरामपुर वही जगह है जहां पर जो स्ट्रे कैटल्स हैं उनकी टैगिंग भी चालू हो गई है. मैंने इस न्यूज़ को आप लोगों के लिए जुलाई के साथ कवर किया था, और जुलाई के करंट अफेयर्स का मैं रिवीजन भी करा रहा हूं. ओके, रिवीजन हो रहा है मेरे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के अंदर. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट भी पिंड है, वहाँ से आप लोग एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना. जो प्रोग्राम है इट विल बी इफेक्टिव एट ऑल दी 30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स ऑफ दी स्टेट बाय अक्टूबर 30. तो जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर मो सरकार प्रोग्राम का, वो यही है कि सर्विस प्रोवाइड की जा सके विद डिग्निटी टू पीपल हु आर कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. जो फ़ोन नंबर है लोगों के जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, उनको रेंडमली कलेक्ट किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, और उनको फीडबैक के लिए कॉल किया जाएगा कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा रहा, प्रोफेशनलिज्म था या नहीं. तो यहाँ पर सिटीजन और गवर्नमेंट के कनेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फाइनली ओडिशा सरकार ने मो सरकार नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 8, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर.
इंडिया हेल्स यूके वर्डिक्ट ऑन फॉर्मर निज़ाम। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर विक्ट्री हुई है, क्योंकि यूके हाई कोर्ट ने इंडिया के फेवर में एक बड़ा डिसीजन सुनाया है इंडिया के फेवर में, और जो डिसेंडेंट्स हैं सेवेंथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खां, उनके फेवर में यहाँ पर एक वर्डिक्ट सुनाया गया है। इस वर्डिक्ट में हमारे खिलाफ जो सेकेंड पार्टी थी वो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को अब यहाँ पर हम लोगों को अराउंड 35 मिलियन पाउंड का फंड चुकाना पड़ेगा, जिसकी यहाँ पर कीमत अप्रोक्सीमेटली 306 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान का क्लेम था कि ये जो केस है ये 1948 का केस है, और यहाँ पर जो डिसेंडेंट्स हैं वो भी नहीं रहते हैं, और ये जो पैसा है इसको प्रूव नहीं अभी तक किया गया था कि ये पैसा असलियत में वहाँ तक पहुँचा कैसे। देखो ये जो केस है इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए नोट्स तो पूरे तैयार किए हैं, बट मैं आपको इस पूरे के पूरे केस को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो सुनो कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर जो निज़ाम थे, जो सेवन्थ निज़ाम थे, उनके जो ग्रैंड सन्स हैं उनकी यहाँ पर विक्ट्री हुई है, और अब पैसों को स्प्लिट किया जाएगा, पर वो तब होगा जब पाकिस्तान यहाँ पर पैसा लौटाएगा। अब यहाँ पर बात किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, दिस इज़ हैदराबाद फंड। देखो ये जो कहानी है ये उस समय की है जब हम लोग आज़ाद हुए थे, पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के समय पर बहुत सारे जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे उनसे हम लोगों को थोड़ी सी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। जैसे आप लोगों को सुना जूनागढ़ के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। एक और राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे पहले वो मुगलों के अंदर वर्क करते थे, पर यहाँ पर औरंगज़ेब के बाद सबको अपने अपने यहाँ पर राज्य मिलने लगे। पहले वो उनके यहाँ पर गवर्नर थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहाँ पर सत्ता संभालना चालू कर दिया। ये बात है 1948 की, जब यहाँ पर हैदराबाद के को यहाँ पर एनेक्स करने की यहाँ पर कोशिश की गई। उससे पहले हैदराबाद, मैं आपको बता दूं, इन द ईयर 1935 के अराउंड यहाँ पर हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको टाइम्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी यहाँ पर घोषित किया था कि इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इतना उनके पास सोना चांदी था, उनके पास अपनी खुद की करेंसी थी, अपनी खुद की एयरलाइन थी, बेटर वहाँ पे रोड्स थी, अपना खुद का सेंट्रल बैंक था। तो इस तरीके का यहाँ पर पूरे के पूरी सारी की सारी चीज़ें थी। यहाँ पे क्या हुआ, हैदराबाद के जो निज़ाम के जो आप कह सकते हो जो फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अराउंड 1 मिलियन पाउंड ट्रांसफ़र किए यहाँ पर टू द वेस्ट मिनिस्टर बैंक। वेस्ट मिनिस्टर बैंक स्कॉटलैंड के बैंक के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र किए थे, नेट वेस्ट बैंक जिसको अब लोग हम लोग नाम से जानते हैं। और वो जो बैंक अकाउंट था वो था यहाँ पर रहमतुल्ला का। किसका अकाउंट था, रहमतुल्ला का। जो रहमतुल्ला है वो यहाँ पर उस समय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे लंदन में। अब यहाँ पर वो पैसे क्यों ट्रांसफ़र हुए उसकी दो तीन अलग अलग कहानियाँ हैं, बट मेन कहानी जो मानी जाती है वो ये है कि राइफ़ल्स ख़रीदने के लिए यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र किए गए। पर उसके बाद हुआ क्या, जब निज़ाम ने पैसे वापस मांगे तो रहमतुल्ला ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया कि हम तो पैसे नहीं देंगे। केस चला लोअर कोर्ट के अंदर, और केस के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया पहले। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ अपील है उसके अंदर निज़ाम गए, और निज़ाम जब कोर्ट ऑफ अपील के अंदर गए तो वहाँ पर निज़ाम की जीत हुई। अब फाइनली पाकिस्तान लेकर पहुँचा इन सारी की सारी चीज़ों को यूके की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो यहाँ पर निज़ाम, ये बात हुई थी कि जो पैसा है वो तो प्रीवी पर्स से आया है, जो पैसा है वो तो निज़ाम का पर्सनल पैसा नहीं था, वो तो सरकारी पैसा था। और अब सरकार कौन है, सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ पर अब जो हैदराबाद फंड का जो पैसा था उसको फ्रोज आउट कर दिया गया था। और अब जो बड़ा वर्डिक्ट आया है वो ये है कि ये इंडिया का क्लेम है। और देखो वो जो वन मिलियन पाउंड का जो अमाउंट था उसके ऊपर अब ब्याज लग के, उसके ऊपर इतना सारा यहाँ पर इंटरेस्ट लगाकर वो हो गया है अराउंड 35 मिलियन पाउंड, और वो यहाँ पर पाकिस्तान को, इंडिया को पे करना पड़ेगा। ओके, अगर पाकिस्तान पे नहीं करता है तो उसके बाद कुछ कुछ और बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंटरनेशनली। और देखो पाकिस्तान आज खुद डेट में है और अब उसको और इंडिया को पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी जीत थी हम लोगों की कुलभूषण जाधव केस के बाद। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया हेल्स यूके वर्डिक्ट ऑन फॉर्मर निज़ाम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल हम लोगों को एक स्टेट न्यूज़ है, दैट इज ऑल अबाउट आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्चेज विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम। इट इज अ न्यू टाइप ऑफ अ सिस्टम।
ओपनिंग अ न्यू चैप्टर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक नई चीज ऐड ऑन करते हुए यहाँ पर विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी, यहाँ पर गांधी जयंती के दिन इसे लॉन्च किया गया। बोला गया कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी चाहते थे कि विलेजेस का अटमोस्ट डेवलपमेंट हो और उसी के थ्रू एक बड़ा स्टेप है। आंध्र प्रदेश बिकेम अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स और यहाँ पर विलेज और वार्ड सेक्रेटेरिएट उन्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे हैं। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं दे वुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल बाय रेंडरिंग ओवर 500 टाइप्स ऑफ सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप। यहाँ पर जो विलेज सेक्रेटेरिएट होंगे ये 500 से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मिस्टर रेड्डी सेड पॉइंटिंग आउट दैट दे वर अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स हिज पोल प्रॉमिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ये एक बड़ा स्टेप है, इसका इस्तेमाल आप लोग GS पेपर नंबर 2 गवर्नेंस की फील्ड के अंदर करोगे। मूविंग ऑन पेज नंबर 8 खबर मिलती है ट्राइबल्स रिवाइव ट्रेडिशन टू वार्ड ऑफ जम्बोज। यहाँ पर एलिफेंट्स को दूर भगाने के लिए फिर से पुराने कल्चर पुराने यहाँ पर ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेडिशन के अंदर आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हो दीज आर बैम्बू मेड इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर इसको बोलते हैं थट्टा, इससे यहाँ पर बहुत ही तेज आवाज़ आती है जिसकी वजह से एलिफेंट्स दूर भग जाते हैं। देखो यहाँ पर जो लाइन है इसका इस्तेमाल ऐसे के अंदर किया जा सकता है दैट इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ नॉट ओनली इंटरवेंशंस नॉट ओनली इन्वेंशंस बट ऑल्सो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशन, ओके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ नॉट ओनली इन्वेंशन, क्योंकि जब किसी को चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम लोग कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं। बट अब ज़रूरत हो रही है तो हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के पास जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग्स के बारे में बात करते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, ओके, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पीसीज प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ओके, तो ये एक बनाया गया है। और आदिवासी जो हैं वो नेचर के पास रहना पसंद करते हैं बट एलिफेंट्स उनको थोड़ा परेशान करते हैं, इसके लिए ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लाया जाएगा। पेज नंबर 14 जॉनसन ऑफर्स ब्रेग्जिट कॉम्प्रोमाइज टू यूरोपियन यूनियन। ब्रेग्जिट वाला केस जिसके ऊपर यहाँ पर बोरिस जॉनसन के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ने बोल दिया था कि गलत डिसीजन है, प्ररोग नहीं कर सकते, वो एक अपने आप में एक अलग मैटर है कि जुडिशरी की क्या यहाँ पर स्ट्रेंथ है, किसने एम्बिट में जा सकते हैं। पर यहाँ पर अब यूके ने यूरोपियन यूनियन को एक प्रपोज्ड ब्रेग्जिट डील ऑफर की है। इस प्रपोज्ड ब्रेग्जिट डील के अंदर ओपन बॉर्डर्स के बारे में बात की गई यूके के नॉर्दर्न आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन के मेंबर आयरलैंड के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट की डील में एक सबसे बड़ा मुद्दा था। यूके प्रपोज टू डू दैट बाई कीपिंग नॉर्दर्न आयरलैंड क्लोजली अलाइंड विद यूरोपियन यूनियन रूल्स ऑफ ट्रेड इन गुड्स पॉसिबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जो प्रपोजल था उसके अंदर बोला गया कि एन ऑल आइलैंड रेगुलेटरी जोन ऑन द आइलैंड ऑफ आयरलैंड कवरिंग ऑल गुड्स इंक्लूडिंग एग्री फूड्स, कि यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड और जो आइलैंड है वो उसी तरीके से ट्रेड करते रहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक करते आ रहे हैं कुछ और लंबे समय तक के लिए। ब्रेग्जिट एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड मिस्टर जॉनसन्स प्रेडिसेसर मतलब थेरेसा मे वॉज रिजेक्टेड 3 times, 3 times रिजेक्ट हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर बोरिस जॉनसन के साथ, क्योंकि बोरिस जॉनसन को भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिस्टर जॉनसन इंसिस्टेड दैट वी विल अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हैव चेक एट और नियर द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, एडिटोरियल सेक्शन है, पेज नंबर 10 खबर मिलती है फर्दरिंग दिस नेबरहुड फ्रेंडशिप। ये आर्टिकल आपके GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। आपको एक और चीज़ बिल्कुल अपने ब्रेन में रखना कि बांग्लादेशी इकोनॉमी आज की डेट में एक अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, अराउंड 7% ग्रोथ है। कारण है यहाँ पर बांग्लादेश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया के विजिट पर आएंगी फ्रॉम October 3rd to October 6th और ये उनकी पहली विजिट होने वाली है जनरल इलेक्शन के बाद। वह एड्रेस करेंगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन इकोनॉमिक समिट को, उसके बाद होगी यहाँ पर बायलेटरल टॉक्स होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश की जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वो अपने बेस्ट पीरियड के अंदर है एज ऑफ नाउ। पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिली है, चाहे वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सिक्योरिटी रिलेशन क्यों ना हो। करेंटली बांग्लादेश की सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया है सिक्योरिटी थ्रेट्स को अपरूट करने में, इंसर्जेंसी के जो एक्ट्स होते थे उनको ख़त्म करने में, खासकर जो इंडिया के खिलाफ होते थे। तो यहाँ पर इस वजह से हम लोग आज कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड बॉर्डर है। इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के अंदर साइन आउट किया गया था, जिसके अंदर एनक्लेव ट्रांसफरिंग हुई थी।
तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू था यहाँ पर, जमीनी विवाद था, उसको भी रिजॉल्व आउट किया गया। बायलेटरल ट्रेड भी इन दोनों देशों के बीच में अच्छा होता हुआ नजर आया है। इट वॉज लिटिल ओवर $9 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2017-18 और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ अराउंड 42.91% से, जो कि पहुंच गया $1.25 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2018-19। इंडिया ने भी नॉन टेरिफ बैरियर्स हटाए जिसकी वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। 2018 के अंदर यहाँ पर 660 मेगावाट के एडिशन में बांग्लादेश ने हम लोगों से और भी यहाँ पर जो बिजली है उसे इम्पोर्ट किया। तो यहाँ पे इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। लैंड रूट्स ने भी यहाँ पर पॉपुलैरिटी गेन करी है ओवर द एयर ट्रैवल। ज़्यादातर लोग लैंड रूट्स का सहारा लेते हैं। 85.6% जो बांग्लादेशीज इंडिया विजिट करते हैं वो यहाँ पर लैंड रूट के थ्रू विजिट करते हैं। ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं ढाका से कोलकाता, कोलकाता से खुलना, और तीसरी सर्विस चलने वाली है अगरतला से अखूरा। 5 एडिशनल बस सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की गई थी 2018 के अंदर, और यहाँ पर ढाका कोलकाता पहली क्रूज शिप भी लॉन्च कर दी गई थी। बांग्लादेशी टूरिस्ट अकाउंट फॉर 21.6% ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ द टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इन 2018। आज बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता है 50% इंडिया के हेल्थ टूरिज्म रिवेन्यू का। पर कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी रिफ्यूज़ कर दिए। इसके साथ साथ द लैक ऑफ वाटर हैज़ अफेक्टेड 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, वहाँ पर कंटेमिनेटेड सॉइल हो गई है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जिसके अंदर अभी रिसेंटली 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया, उसमें से मैक्सिमम लोग बांग्लादेशी हैं। बॉर्डर किलिंग ऑल दो हमें कम होती हुई नजर आई है। इंडिया की जो BSF है उनका कहना है कि जब वो फायर करते हैं वो बस सेल्फ डिफेंस में करते हैं। सिंस 2010 इंडिया हैज़ अप्रूव 3 लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश, पर लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश तक धीरे पहुंच रहा है ड्यू टू द रेड टेपिज्म, और बांग्लादेश भी बहुत ही ज़्यादा धीरे इंप्लीमेंट कर रहा है ड्यू टू द करप्शन इन बांग्लादेश। रोहिंग्या इशू एक बड़ा इशू है दोनों देशों के बीच में। इंडिया भी चाहता है कि रोहिंग्यास का इशू सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 मिलियन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज यहाँ पर म्यांमार से फ्ली होते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, और उनमें से मैक्सिमम ने जो शरण है वो बांग्लादेश के अंदर ली। इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो मैच्योर होता हुआ नजर आया है हमें पिछले 10 सालों के अंदर। ओके, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इन अ नेबरहुड वेयर डिस्ट्रस्ट सिनिज्म प्रिवेल ओवर फ्रेंडशिप एंड होप। रिलेशनशिप इन दोनों देशों की हमें एक नई होप लेकर आ रही है। यहाँ पर एक और बड़ा रीज़न है वो है कॉलोनियल लीगेसी, हिस्ट्री, सोशियो कल्चरल बॉन्ड, जो कि इन देशों को और भी ज़्यादा नज़दीक रखते हैं। 3 C's हैं इन दोनों देशों के बीच में जो कि हमेशा ही प्रेवलेंट रहेंगे, दैट इज़ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंसोलिडेशन। आपके लिए अगला जो आर्टिकल है रेनिंग माइसरी, ये आपके लिए लिंक करता है GS पेपर नंबर 2 से, एज वेल एज GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। बिहार के अंदर आज की डेट में फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ पर अंडर डेवलपमेंट वाली सिचुएशन पहले से ही बरकरार है। इस वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान ही लोगों को और भी ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर लेकर चला जाएगा। नॉर्मल पैटर्न मानसून का हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों के लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे देश की अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। इंडियन सिटीज़ आर अट्रैक्टिंग हैवी इन्वेस्टमेंट, पर यहाँ पर स्टेट और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर फोकस करना चाहिए हमें लोगों की सेफ्टी के ऊपर और इकोनॉमिक असेट्स की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, कि इकोनॉमिक असेट अगर आप बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो कितने साल तक चलेगी। यहाँ पर सिटीज़ और क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने निकाली थी, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि ड्रॉट और हीट आइलैंड के अलावा अगर कोई बड़ा फैक्टर है वो है फ्लडिंग। अर्बन सेंटर्स यहाँ पर रिवर्स के पास हैं, जैसे यहाँ पर पटना है, वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इंजीनियरिंग और इकोलॉजी को साथ में मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, हम लोगों को नई लेक्स, नए बायोफ्यूल्स बनाने चाहिए जिससे यहाँ पर हम लोग रेन वाटर को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। आज का समय है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि NDA गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी प्रोग्राम भी जल शक्ति अभियान है, और यहाँ पर हम लोगों को नेपाल के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम जो यहाँ पर गंगेटिक रिवर्स हैं ओरिजिनेट इन दी हिमालयन रीजन्स। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।